धन्यवाद भाई जी। कहाँ गायब हो गई लड़की, जल्दी ढूंढो इसे। लड़की कहाँ गायब हो गई? चकोरी मैडम हमारी जान ले लेगी अगर लड़की नहीं मिली तो। माफी बापू साहब, वो ज्यादा जोर की कस गई क्या पगड़ी? वो कहना कि सालों बीत गया ना आपकी पगड़ी बंद हुए तो, इसलिए गलती हो गई। तू कुछ भी कर ले मारे को कोई तकलीफ ना होगी, क्योंकि तू हमारा बेटा है। उल्टा मैं तो बल्कि बहुत खुश हूं आज, ये आज के दिन तू हमारी पगड़ी बांध रहा है। अभी तक मेडिका जी का फोन नहीं आया, मुझे कुछ और करना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा ताकि प्यार थोड़ी देर और टल जाए। रब, आग लगी पगड़ी में। गलती हो गई बापू साहब, न जाने कैसे वो पगड़ी का आखिरी छोड़ दिए मैं चला गया। माफ कर देना हमारे से गलती हो गई। ये भी चली हुई पगड़ी तो आप ब्याह में ना पहनेंगे ना तो। झूठ बोल रहा है ये ससुर जी। क्योंकि कोई गलती से नहीं जलाया पगड़ी का छोर, बल्कि इसने जानबूझ के जलाया है। कमर साहब, जिस बारे में मालूम ना हो ना उस बारे में ज्यादा बोला ना करते हैं। क्यों ना बोलूं? आज मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। और सच तो ये है कि तू अभी भी अपने बापू साहब से जलता है, और इसलिए जब तू कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तूने जाके उस पगड़ी को आग लगा दी। अरे कितनी खुश थी रसाल, तूने अपने बापू साहब को अपना लिया, और अब जाके मैं तेरी सारी करतूतें बताता हूं। समर साहब, समरसा गलती हो गई हमारे से, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, माफ कर दो। ये ड्रम यहां पर कैसे?
है माता रानी का, यूं नहीं कहीं चमत्कार है जो मैं इतनी आसानी से अपने घर के अंदर आ गई। जल्दी से शिवा को मैसेज कर देती हूँ। शिवा जल्दी से हमारे कमरे में मिलो, मेरे हाथ कुछ सबूत लगे। डिलीट कर देती हूँ मैसेज। इसमें मैं ठाकुराइन जैसे एकदम अकड़ के अकेले तस्वीर बना के लगवाऊंगी। वो चुहिया मर गई, सबूत इकट्ठा कर लिए क्या? वो लड़की सबूत लेके हवेली पहुंच रही है। चुहिया तुझे तुम्हें ना छोड़ूंगी। वो शिवा बीच में मौका ही नहीं मिला मुझे कि तुझे फोन करके बता दूं, उस चकोरी के गुंडे ने मुझ पे हमला कर दिया था। वही बात ना, आप सबूत लाने में कामयाब तो हुई कम से कम। छोड़ो, तो पूरा चल गया। इब करोगी भी केस सबूत का तुम? बोला था ना चकोरी, सारे सबूत राख कर दूंगा मैं जो कर दिए।